फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? हमारा सेल जो कि हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सेल मिलकर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड हर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज दिस इज सेल्स एंड इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनल्स क्या है? जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉलजी एपरेटस, ये सब क्या है? सेल के ऑर्गेनल्स हैं। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से डिनोट करते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? एंडो मीन्स होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब होता है साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है? अ नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होते हैं। सो इस फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क जैसा है। सो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये एक नेटवर्क जैसा दिखाई देता है सेल में एंड ये सेल में इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये नेटवर्क प्रेजेंट होता है एंड ये नेटवर्क पूरे सेल में स्कैटर्ड होता है, पूरे सेल में फैला हुआ होता है। नाउ ER इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? साइटोप्लाज्म में एक फ्लैट सैक्स, ये है एक नेटवर्क। सो ये नेटवर्क क्या बना रहा है? फ्लैट सैक्स बना रहा है। सो ये जो सैक्स आपको दिख रही है ये क्या है? फ्लैट है, यानी दबे हुए हैं। सो ये फ्लैट सैक्स का नेटवर्क एंड ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो ट्यूब्स जैसा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 50 to 60 angstrom थिक। नाउ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट कहाँ से होता है? सो ये है सेल का न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो सेल में ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होती है, ये है न्यूक्लियर पोर्स एंड न्यूक्लियर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो ल्यूमन है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो इसका ल्यूमन यानी पेरी न्यूक्लियर स्पेस से ये स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसे होता है, सपोज ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो ल्यूमन है वो इस तरह से सैक्स बनाता है एंड इन सैक्स को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ ये पेरी न्यूक्लियर यानी कि ये कहां से स्टार्ट हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये एक्सटेंड होता है एंड ये पूरे सेल में स्कैटर्ड होता है। सो पूरे सेल में स्कैटर्ड होकर ये जो आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है, सो सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, सो सेल मेम्ब्रेन के साथ ये कॉन्टिन्यूस में रहता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ एंड ये एक्सटेंड कहां तक होता है? सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या है? कि जो अपीयरेंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो कैसे दिखती है? रफ। स्मूथ का मतलब क्या है? कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ दिखती है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाते हैं? फ्लैटेंड सैक्स। और इसके ऊपर क्या अटैच होती है? राइबोसोम्स। सो ये जो रेड कलर के मैंने डॉट्स बनाए हैं ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या? प्रोटीन फैक्ट्री जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। सो राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ नजर आती है, इसलिए इसको रफ ER कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्यूब से बनता है, ट्यूब्यूल से बनता है मेनली। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते इसलिए इसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नजर आती है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्री फॉर्म्स में होता है। थ्री फॉर्म्स कौन कौन सी फॉर्म्स है ये? फर्स्ट इज सिस्टर्नल और लैमिलर फॉर्म। सो सिस्टर्नल और लैमिलर फॉर्म क्या है? लॉन्ग फ्लैटेड एंड अनब्रांच यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। सो ये क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्यों इनको बोला है? क्योंकि ये क्या है? लॉन्ग है, फ्लैट है एंड अनब्रांच है, इनकी ब्रांच नहीं है, लॉन्ग फ्लैट सैक्स है ये। इन सैक्स को क्या बोला है?
सिस्टर्नल और लैमिलर फॉर्म। सो ये क्या है, सिस्टर्ने हैं, सिस्टर्ने या फिर लैमिलर फॉर्म। इन सिस्टर्ने के बीच के स्पेस को कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस या फिर ल्यूमन। नाउ व्हाट इज वेसिकल और वेसिकुलर फॉर्म। वन मोर थिंग हियर, ये जो सिस्टर्ने हैं, ये सिस्टर्ने किससे बने हैं? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्ने से बना होता है। सो रिमेंबर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने से बना है एंड इसका डायमीटर कितना होता है सिस्टर्ने का, 40 to 50 माइक्रोमीटर। नाउ वेसिकल्स क्या होते हैं या फिर वेसिकुलर फॉर्म क्या होती है? सो वेसिकल होते हैं ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिनका डायमीटर 25 to 500 माइक्रोमीटर होता है। सो ये आपको ओवल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। सो ये ओवल स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, वेसिकल्स। ये वेसिकल्स कैसे निकलते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एक बड बनाती है। सबसे पहले जो भी मटेरियल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्स्ट सिंथेसाइज होगा, यानी कि जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिएट करेगी, चाहे वो रफ हो चाहे स्मूथ हो, वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, वेसिकल के थ्रू। एंड ये वेसिकल कैसे निकलती है, ये मेम्ब्रेन बड बनाती है सबसे पहले, देन ये बड बनाकर ये जो वेसिकल्स है ये इससे पिंच ऑफ हो जाती है, यानी इसी से ये वेसिकल निकलती है। एंड ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, इनके अंदर जो सब्सटेंस, सपोज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सो वेसिकल प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगी जिस जगह पर वो चाहिए। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल निकलेंगे वो लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी। सो वेसिकल का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को। देन है टिब्यूल्स और ट्यूबुलर फॉर्म। नाउ टिब्यूल्स और ट्यूबुलर फॉर्म कौन सी है, ये जो साइड में ट्यूब दिख रही है आपको, सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको ट्यूबुलर फॉर्म कहते हैं। एंड ये ब्रांच भी होता है, इनकी ब्रांचेस भी निकलती हैं। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बना होता है, टिब्यूल से। एंड इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते इसलिए ये स्मूथ होता है। सो ट्यूबुलर फॉर्म क्या होती है, इरेगुलर होती है, ब्रांच ट्यूब्स है बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, इसका डायमीटर 50 to 190 माइक्रोमीटर होता है। सो हमने क्या पढ़ा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसलिए उसकी रफ अपीयरेंस है, प्लस वो सिस्टर्ने से बनी हुई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है इसलिए स्मूथ अपीयरेंस है, प्लस स्मूथ किससे बना है, टिब्यूल से बना है। अब हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसलिए ये रफ अपीयरेंस देता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है इसलिए इसको ग्रैन्युलर ईआर भी कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स ग्रैन्यूल्स जैसे दिखते हैं इसलिए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसको कहते हैं, प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं आर। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है, सिस्टर्ने से। सो ये सिस्टर्ने क्या है, फ्लैट सैक्स है, ये फ्लैट सैक्स का नेटवर्क है जिसको कहते हैं सिस्टर्ने, सो आर इसी से बना है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो फर्स्ट एंड है, यानी इसके टू एंड्स है, तो वन एंड किसके साथ अटैच होता है, न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पैरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ कंटिन्यूस में होता है। जो इसका दूसरा एंड है वो हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस में हो, सो देयर आर टू एंड्स, वन एंड इज एक्सटेंशन, मतलब एक जो है पैरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर एनवेलप का पैरी न्यूक्लियर स्पेस एक्सटेंड हुआ है एंड जो दूसरा एंड है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है। नाउ राइबोसोम्स अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन बाय राइबोफोरिन्स प्रोटीन। सो जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं आरईआर पे वो राइबोफोरिन्स प्रोटीन्स के थ्रू अटैच होते हैं। आरईआर अटैच टू न्यूक्लियर एनवेलप, सो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ये अटैच होता है। सो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ये क्यों अटैच है, फॉर्म्स डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पैरी न्यूक्लियर स्पेस एंड ल्यूमन ऑफ ईआर फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो पैरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ ये डायरेक्टली अटैच है, इसका ये मतलब है कि जो न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट्स हो रही है, सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, वो सब्सटेंसेस पैरी न्यूक्लियर स्पेस के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मूव हो सके। सो मेनली यहाँ से क्या मूव होता है, mRNA। सो mRNA क्या है, मैसेंजर RNA जो कि न्यूक्लियस से मूव होकर कहाँ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, कौन से में, रफ में। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है,
राइबोसोम्स। सो ये रेड कलर के राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन के सिंथेसिस तब होगी जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आरईआर में ट्रांसपोर्ट होगा। सो जो कनेक्शन बिटवीन पेरिन्यूक्लियर स्पेस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के बीच, दोनों के बीच में कनेक्शन है, उसका सिग्निफिकेंस ये है। नाउ सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट इन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। सो राइबोसोम्स इस पर अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। सो ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, पैकेज उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैक करते हैं एंड देन सिक्रीट करते हैं उन प्रोटीन्स को। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस के साथ कनेक्टेड है, एक तो न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है, सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, प्लस ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी कनेक्टेड है। सो जब इनमें प्रोटीन की सिंथेसाइज हो जाती है, प्रोटीन बन जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सो ये प्रोटीन्स कहाँ से ऐसे मूव करते हैं, जो ये सिस्टर्नल स्पेस है यानी कि जो ल्यूमन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वहां मूव करके ये कहाँ आ जाते हैं, एक तो ये वेसिकल्स बनाते हैं। सो ये जो प्रोटीन्स यहाँ पर बन चुके हैं, पैक हो गए हैं, सिक्रीट होने के लिए तैयार हैं। सो ये यहाँ पर क्या बनेगी, एक बड बनेगा। सबसे पहले ये बड क्या बनेगी, ये यहाँ से पिंच ऑफ यानी अलग हो जाएगा एंड ये बड क्या बनाएगा, वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के थ्रू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। सो मेनली जो ये प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, सबसे पहले गोलजी अपरेटस में। गोलजी अपरेटस में इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है एंड जहाँ पर नीड है उस प्रोटीन की, वहाँ पर टारगेट सेल पे प्रोटीन पहुँचाया जाता है। नाउ ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है, सो समटाइम्स प्रोटीन क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER भी फर्दर क्या करता है, इन प्रोटीन्स को वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन के सिंथेसिस करना। तो ये मोस्टली वहीं प्रेजेंट होती है जहाँ पर प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि लीवर सेल्स, पैंक्रिया सेल्स, यहाँ पर ये अबंडेंटली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं RER। Now what is smooth endoplasmic reticulum? So smooth endoplasmic reticulum another type है endoplasmic reticulum का, इसको कहते हैं SER। Now smooth में ribosomes absent होती हैं, इसलिए इसको agranular ER भी बोलते हैं। So इसमें ribosomes absent होती हैं, so ये जो side structure है जो कि rough से interconnected है, इसको बोलते हैं smooth endoplasmic reticulum। And ये कैसा दिखता है, tubes जैसा। So ये tubular structure है and ये branch structure है। सो कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसका फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। सो इसका काम क्या है, लिपिड्स को प्रोड्यूस करना, लिपिड्स को सिंथेसाइज करना एंड लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टीरॉयड एंड स्टीरॉयडल हॉर्मोन। सो लिपिड्स और स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स को ये सिंथेसाइज करता है एंड ग्लाइकोजन को भी प्रोड्यूस करता है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, लिपिड्स को प्रोड्यूस करना। सो लिपिड्स हमारे बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जो मेम्ब्रेन्स है हमारी सेल की या सेल ऑर्गेनल्स की, वो सब लिपिड से ही बनी है, या फिर और भी फंक्शंस जो जिनमें लिपिड यूज होता है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है, उसके साथ स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स एंड ग्लाइकोजन को, एंड इन सब सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस भी करता है एंड स्टोर भी करता है। नाउ ये उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें लिपिड्स की ज़्यादा जरूरत होती है, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लीवर एंड स्पर्मेटोसाइट्स। नाउ दिस इज अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अपनी सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है, लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है एंड देन ये थ्रू वेसिकल्स उन लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक टर्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर है रेटिकुलम जैसा ही दिखता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मोस्टली कार्डियक सेल्स और मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आयंस को स्टोर करके रखता है। सो जब भी सेल को नीड होती है आयंस की, सो वो जो स्टोर हुए होते हैं आयंस उनको यूज करता है। अब अगर वो पहले से ही स्टोर करके रखेगा आयंस, तो इमिजिएटली यानी एमरजेंसी में
उन आयंस को अवेलेबल करवाना इजी होगा। अगर वो ऑलरेडी स्टोर नहीं करेगा आयंस को, तो जिस टाइम पर जरूरत है तो उसको ढूंढने पड़ेंगे अपने एनवायरनमेंट से आयंस। इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली किस आयन को स्टोर करता है? कैल्शियम आयन को। सो कैल्शियम आयन को ये स्टोरेज है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैल्शियम आयन किस में वर्क करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में। सो ये कार्डियक मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, एंड जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. And if you want to check another detailed videos of self, you can check the link in description box. Thank you for watching.